கடிக்கமரி अभी आवाज आ रही है मेरी। एक बार थोड़ा आवाज कंफर्म कर देना दोस्त, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। चेक करो तो अपना, उसमें आवाज आ रही क्या मेरी? वो लोग बोल रहे थे कि घसड़ घसड़ की आवाज आ रही है, मतलब आवाज बहुत बेकार है। सही है, है? अभी गेम की साउंड ठीक है। ये एक सिनारियो है जो कि WCR रूट पर बनाया गया है, और ये सिनारियो जो है हमारे अंकित भाई ने बनाया, अंकित आदित्य जी ने, जिनकी वेबसाइट है aarealsim.com करके। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये सिनारियो लेनी है, परचेस करनी है, तो आप जो लिंक दिया हो उस पर जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिनारियो, मैं भी फर्स्ट टाइम ही खेल रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या क्या मतलब के रोमांच भरा हुआ है सिनारियो में, खेलने से पता चलेगा। तो हमको पहले ही एक दूसरा, ये जो सिनारियो है लुआ स्क्रिप्ट बेस है, तो इसमें स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है सिनारियो में। तो हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुड मॉर्निंग लोको पायलट, वेलकम टू दिस प्रीमियम सिनारियो Part 1/3। यू विल बी हॉलिंग 22187 रानी कमलापति आधारताल इंटरसिटी एक्सप्रेस फ्रॉम दिस पॉइंट टिल जबलपुर टिल पिपरिया इन दिस पार्ट। मतलब कि ये जो सिनारियो है, ये यहाँ से जो हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ से लेके जबलपुर तक, इसको 3 पार्ट में बनाया गया है। पहला जो पार्ट है इसका, जो यहाँ से बुधनी आउटर से शुरू होता है और ये शायद पिपरिया तक रखा है हमारे अंकित भाई ने, तो पहला पार्ट ये है। और फिर उसमें लिखा इंस्ट्रक्शन, नीचे इसमें लिखा है और इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ALP गार्ड एंड स्टेशन मास्टर विल असिस्ट यू ऑल अलोंग 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 नॉट नोट करके नोट दिया है, फॉलो गिवन टाइम टेबल इन टास्क लिस्ट, ठीक है। डोंट ओनली रिले ऑन ऑडियो इंस्ट्रक्शन, देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स इन द गेम, अच्छा ठीक है। यूज टोटल 40% वाइल्ड डिपार्टिंग 6:02। अच्छा 6:02 पे हमको यहाँ से डिपार्ट करना है फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम 6:02 पे यहाँ से निकलेंगे। तो चलो तब तक हम लोग क्या है, लोको वगैरह अपना वो कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है।
क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया लिया हुआ है हमारे अंकित भाई ने इस सिनारियों में, तो हम चलिए हमारा जो क्या बोलते कंट्रोल हमको मिल चुका है लोगों का, तो हम जो है सबसे पीछे चलते हैं, लास्ट वाले से थोड़ा सा आगे चलते हैं, और हमको जैसा कि सामने दिख रहा है कि हमको सिग्नल मिला हुआ है, सामने नर्मदा रिवर का रिवर पर ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। हमारा जो ग्रेडियंट है पॉजिटिव ग्रेडियंट है ऊपर को, तो चलिए देखते हैं क्या क्या रोमांच भरा हुआ है इस सिनेरियो में। पहले हम एक हॉन्ग करते हैं, इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, ऑप्शन में जाके इसको ओपेसिटी कम कर लेते हैं, कंटिन्यू। तो दोस्तों अगर मैं अभी ब्रेक छोड़ता हूँ तो गाड़ी देखिए हमारी पीछे को लुढ़केगी, ढलान ढलान पे खड़ी हुई है इसलिए गाड़ी हमारी जो है पीछे को लुढ़केगी, तो हमें जैसे ही ब्रेक रिलीज करने वैसे ही हमें थॉटल देना पड़ेगा, तो हम चलिए थॉटल ब्रेक को रिलीज कर देते हैं। और जैसे कि बोला था हमारे अंकित भाई ने कि 6:02 पे यहाँ से निकलना है, तो हम 6:02 पे यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे की ओर, टोटल जो है हम 40 का रख लेते हैं। अभी क्या करता हूँ मैं कंट्रोल जो है मिनिमम वाला ले लेता हूँ, आ रहा है पीछे से शायद, पीछे से कुछ आ रहा है क्या? नहीं इधर से तो कुछ आते हुए नहीं दिख रहा है। गाड़ी आ रही है अपनी फुल रफ्तार में पीछे से, पैरेलल रन हो रहा है यहाँ हमारा, यहाँ हमारा जो है एक फ्रेट के साथ पैरेलल रन हो रहा है। बहुत बढ़िया अंकित जी, आपने अच्छा सिनेरियो बनाया है। Thank you.
बढ़िया नज़ारा बना रखा है, पैरेलल रन दे रखा है सिनारियों में। ओवर स्पीडिंग नहीं करना है भाई। अरे मालगाड़ी हमसे आगे निकल जाएगी क्या भाई? बहुत रफ्तार में भाग रही है। इस तरफ से भी कुछ आ रहा है क्या? नहीं, उसी का ही हॉर्न बज रहा है। अब ये रुक गई है, ये स्लो हो गई है। हमें जो है स्पीड थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी। हमारे पास टाइम सफिशिएंट है, काफी टाइम है हमारे पास। हाँ अंकित भाई, अभी अभी तो सब कुछ ठीक हो रहा है, आवाज़ सही आ रही होगी ना अभी। आइए आइए, आपकी सिनेरियो मैंने चालू कर दी है, फर्स्ट पार्टी इसका मैंने खेल रहा हूँ अभी तो फिलहाल। ये आपका पिपरिया तक है, काफ़ी है, 1.5-2 घंटे की सिनेरियो है। ये नर्मदापुरम स्टेशन है। इतना डार्क क्यों दिख रहा है वैसे? नहीं डार्क क्या, मैंने लाइट कर रखा है, हाई सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ मैं। हाई सेटिंग्स पे थोड़ा सा डार्क जो है दिखता ही हाई सेटिंग्स पे। ये देखिए मैंने इसका जो, अगर देखा जाए तो, अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ ऑप्शन में, यहाँ देखिए
एम्बियंट लाइट फुल कर रखा है, सन लाइट इंटेंसिटी फुल कर रखा है, ये तो फिर बेकार लगेगा इसमें। कंट्रास्ट अगर हम कम ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे तो। अब ये जो है इसकी, मेरे को सही दिख रहा है शायद, आप लोगों को उसमें नहीं दिख रहा होगा ठीक से लाइव में, पर यहाँ पर सही दिख रहा है। चलिए, नर्मदा नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, इसका जो पुराना नाम था होशंगाबाद था, और अभी इसे नए नाम से नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। मैंने अंकित जी आपका जो सिनेरियो में एक यही किया था कि इसके जो सारे कोच का जो मूव फॉरवर्ड की तरफ फेस था, उनको एक को फॉरवर्ड एक को बैकवर्ड किया, इतना ही किया था इसके कोच में चेंज, और फिर इसको मैंने प्ले कर लिया था। हाँ शर्मा जी, हेलो, आइए, स्वागत है आपका। और कौन, हमारे इंडियन ट्रेन सिमुलेशन का गेम प्ले जी, आइए, आपका भी स्वागत है। हाँ देखते हैं हमारे अंकित भाई ने क्या क्या रोमांच डाला हुआ है इस सिनारियो में। अभी हम जस्ट नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर एंट्री कर रहे हैं, आपके में वेदर अलग ही दिख रहा है, मतलब मेरे में पूरा सवेरा दिखता है। वो तो क्या है, देखिए सेटिंग्स में अगर मैं इसको लो सेटिंग कर दूंगा तो पूरा क्लियर दिखाई देगा। चलिए मेरे को रुकना है, क्योंकि बातों बातों में सबसे पहले हम ब्रेक लगा देते हैं, नहीं तो सिग्नल से आगे निकल जाएंगे, वो ट्रेन के साथ अन्याय होगा। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो सुबह सुबह के टाइम में जैसा वेदर है, वेदर तो मेरे ख्याल से अंकित भाई ने मेरा ही यूज़ किया है मेरे को लग रहा है, जहाँ तक है। चलिए अब यहाँ हम रुक जाते हैं, कुछ आ रहा है क्या सामने से, इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा, और कहाँ से आ रहा है। आ रही है एक ट्रेन, आ रही है भाई, ये कौन सी ट्रेन है, ये है, थोड़ा नजदीक आ जाए, 12626 डिपार्ट 6:12, अच्छा 6:12 पर निकलना है, ठीक है। 12626 न्यू दिल्ली तिरुवनंतपुरम केरला एक्सप्रेस है, ये आ रही है। चलिए, ये एक ट्रेन हमको ओवरटेक करके निकल गई है, अब क्या बात है, सही बात है, ड्यूटी है वो तो करनी पड़ेगी ना भैया, क्या करेंगे।
अच्छा आदित्य जी, ये जो आपने अनाउंसमेंट बनाए हैं या कहीं से, मतलब के वो किए थे, क्या बोलते, कहीं से इनको रिकॉर्ड किया था किसी स्टेशन पे जाके, या आपने खुद इनको रेडी किया है? अभी हमारा अगला जो पॉइंट है, स्टॉप फॉर COSL, कॉल ओवर सिग्नल लोअर करके, कॉल ऑन सिग्नल लोअर एक पॉइंट होता है जहाँ पर ड्राइवर को रुकना पड़ता है कोई भी बड़ी स्टेशन के बाहर में, ये बोर्ड उसको मिलता है, तो हमें वहाँ रुकना है। जिस भैया विसल मार दी गार्ड साहब ने। अच्छा, ठीक है, यानी कि हमें डिपार्ट करने के लिए मिल गया है, लेकिन हम जाना हमें टाइम से ही है। चलिए ठीक है, हमें यहाँ जैसे कि बताया था 6:12 पे यहाँ से निकलना है। नो गेम साउंड, गेम का साउंड नहीं आ रहा है क्या मनीष? गेम का साउंड नहीं आ रहा भैया, बताया नहीं किसी ने अभी तक। अरे ये तो बहुत गलत बात हो गई यार, गेम का साउंड नहीं आ रहा है। चलिए एक अभी हॉर्न मारते हैं। अरे गेम साउंड नहीं आ रहा है, एक मिनट। मनीष, अरे मनीष, एक मिनट, एक जरा देखते हैं गेम का साउंड क्यों नहीं आ रहा है। मनीष चला गया क्या? साउंड तो आवाज आ रहा है यार, मेरे को इधर सुनाई दे रहा है, फिर आप लोग को नहीं आ रहा। चलिए, हाँ जी हाँ भाई, गेम साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई गेम का साउंड ना आ रहा हो? मैं भी चेक कर लेता हूँ। पहले तो 6:12 हो गए हैं, गेम का साउंड नहीं आ रहा है। इधर नहीं सुनाई दे रहा गेम का साउंड, नहीं आ रहा गेम का साउंड। एक मिनट इसकी सेटिंग्स देख लेता हूँ जरा, मैं सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या?
मनीष, ये गेम का साउंड क्यों नहीं आ रहा इसमें यार? गाड़ी चलने का साउंड आ रहा है, ट्रेन का साउंड आ रहा है प्रॉपर, तो लोगों को सुनाई नहीं दे रहा यार, बोल रहे हमको सुनाई नहीं दे रहा है। देखो ना इसमें सब मेरी वॉइस आ रही है, थोड़ा अभी आगे बढ़ाएंगे गाड़ी चलेगी तो पता चलेगा। हाँ ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। अभी क्या है, गाड़ी खड़ी हुई है तो हो सकता है आपको साउंड ना आए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। इंजन का अभी देखिए, मैंने हॉर्न किया था लोगों का, साउंड हॉर्न किया था तो लोगों का हॉर्न सुनाई दिया आपको। चलिए चलते हैं। गेम साउंड ऑफ है, गेम साउंड ऐसे कैसे यार? मेरे को रुक जाइए, ये क्यों इस ऑडियो का क्यों आ रहा है पंगा? डेस्कटॉप साउंड ऑडियो, एक मिनट, लॉक वॉल्यूम वर्टिकल फिल्टर प्रॉपर्टी, यूज डिवाइस, ओके सर, ओके। अच्छा क्या इसमें कोई भाई ऐसा है जो मैं ओबीएस स्टूडियो यूज करता हूँ तो जिसको जो मेरे को
अभी सडनली बोल बता सके कि भाई कहाँ पर किस कारण से ऐसा साउंड नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो सेटिंग सारी कर रखी है, फिर ऐसा क्यों नहीं साउंड आ रहा मैं नहीं समझ पे आ पा रहा है। तो कोई यार साउंड नहीं है, अच्छा इसका साउंड का कोई आइडिया है ओबीएस का, ऐसा क्यों कोई कोई मुझे बता सकता है अभी यहाँ पर कि ये साउंड किस कारण से नहीं आ रहा है? कोई है बंदा इसमें ग्रुप में ये अपने अभी मतलब ये लाइव स्ट्रीम पे जो मेरे को बता सके कि ओबीएस में? सेटिंग्स में जाकर ऑडियो में सेट करना पड़ेगा। सेटिंग्स में तो मैं गया हूँ, यहाँ ऑडियो में भी देखा है, एडवांस मीटर्स। हाँ यार साउंड नहीं है, अभी साउंड आ रहा क्या? अच्छा इसका साउंड का कोई आइडिया है ओबीएस का, ऐसा क्यों कोई कोई मुझे बता सकता है अभी यहाँ पर कि ये साउंड किस कारण से नहीं आ रहा है? कोई है बंदा इसमें ग्रुप में ये अपने अभी मतलब ये लाइव स्ट्रीम पे जो मेरे को बता सके कि ओबीएस में? हेलो,
ये क्या बोलते, ये गेम लैपटॉप में डाउनलोड नहीं, ये डेस्कटॉप ऑडियो वन पे क्या सेट है? डेस्कटॉप ऑडियो वन पे तो ये सेट है ना यार, क्या बोलते हैं ये जो इसका ओबीएस का क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप ऑडियो में यही है, ये एनवीडिया हाई डेफिनेशन ऑडियो सेट है डेस्कटॉप वन पे। तो क्या वो सही है? उसमें तो मेरे को यहाँ चार ही ऑप्शन दे रहा है, एक तो मेरा यूएसबी का माइक्रोफोन का दे रहा है, और एक डिफॉल्ट है, और एक डिसेबल है। तो डिफॉल्ट पर ही है, वो जो है वो डिफॉल्ट पर है भाई, इसा जो डिफॉल्ट पर ही मैंने रखा है अप्लाई ओके। पर वही है कि गेम का साउंड तो thank you.
ये दोनों साउंड प्रॉपर हैं भाई? भाई लोग थोड़ा बता देना, दोनों साउंड प्रॉपर हैं? रहमत मीना लोकोमोटिव कैमरा, ये लीजिए लोकोमोटिव कैमरे पे, ये लोकोमोटिव है, ये इनसाइड है लोकोमोटिव का, और ये लोकोमोटिव का आउटसाइड है। अभी दोस्तों साउंड दोनों प्रॉपर आ रहे हैं ना आप लोगों के पास, गेम का भी और मेरा माइक, मेरे वॉइस दोनों आ रहे हैं ना साउंड? रेड सिग्नल है, ये थोड़ा सा सिग्नल का ग्लिच हो सकता है, इसलिए अभी हमें जाना है सीधा सिग्नल को। दोनों साउंड बहुत कम है। अच्छा ठीक है, दोनों साउंड मैं बढ़ा देता हूँ। अभी सही है, अभी साउंड मैंने बढ़ा दिया है। चलिए एक हाई पास देखते हैं, जैसे हाई स्पीकिंग पास देखते हैं, ये यहाँ से देखते हैं। माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाऊं, माइक का वॉल्यूम कम है। ये लीजिए अभी अभी आवाज़ आ रहा है माइक का वॉल्यूम का। फिल्टर में ऐड फिल्टर में जाते हैं और इसको थोड़ा सा अभी आवाज़ जो है सही है, माइक की आवाज़ सही आ रही है। अभी यार पूरी स्ट्रीम में मैं माइक की आवाज़ सुधार से रहूँगा क्या? तो अभी सही है माइक की आवाज़। Thank you.
ये है जो सीओ एसएल था वो ये था एक्चुअली, इसको बोलते हैं सीओएसएल, कॉलिंग ऑन सिग्नल लोअर, यहाँ हमको रुकना है। मार्कर लाइट ऑन करना तो भूल गया, पहुंचते हैं पहले। हाँ कुछ आने वाला है यहाँ पर, अंकित भाई को मालूम होगा उनने क्या क्या मतलब के एक्साइटमेंट डाला हुआ है यहाँ। भाई 36 तक रोका गया है तो कुछ तो कारण होगा भाई, कोई मूवमेंट है कहीं आगे पीछे से। सर्विस टू, नहीं पीछे से तो कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, पीछे से कोई मूवमेंट नहीं है दूर दूर तक। सामने से कोई मूवमेंट है क्या? ये लिखा है बिलासपुर बीकानेर सुपरफास्ट, पता नहीं ये आएगी क्या। ये इसका लाइन तो बना हुआ है, ये वाला लाइन बना हुआ है इसका यहाँ से, और फिर ये जो है इस वाली लाइन पे आ जाती है और ये सीधा जाएगी बीच वाली लाइन पे। अच्छा तो हमें 36 तक यहाँ पर रुकना है दोस्तों, 36 से पहले हम नहीं जा सकते हैं, तो वेट करते हैं 36 तक। और कुछ कहीं कुछ आ रहा है? नहीं है इधर में और कहीं कुछ भी। एक ये ट्रेन खड़ी है बांद्रा टर्मिनस सहरसा हमसफर, ये भी शायद तभी आएगी। और क्या आएगा इधर से? छपरा सूरत ताप्ती गंगा है। तो दोस्तों अभी तो हमें वापस चलते हैं और हम वेट करते हैं, हमको सिग्नल मिलेगा क्या देखते हैं। ये जो नए वाले सिग्नल है ना, इसमें
मैं देखा, चेक किया कि जो नए वाले सिग्नल हैं वो थोड़ा सही से परफॉर्मेंस दे रहे हैं पुराने सिग्नलों की अपेक्षा में। लेकिन तो अभी क्या करें, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, 36 से पहले हमें निकलना नहीं है, तो 36 तक हम यहाँ रुकेंगे। ठीक है दोस्तों, 36 तक हम यहाँ रुकेंगे। इसमें एक ट्रेन क्रॉस होनी थी पहले, पहली लाइन क्लियर नहीं थी, बट वो सिनारियो में कुछ चेंजेस करने के बाद मैंने वो ट्रेन हटा दी, वरना फेल हो रहा था, इसलिए ये स्टॉपेज है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम ही नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर्टी में डिफॉल्ट ही रखते हैं। चलिए 36 हो गए, अभी नहीं हुए 36, तो क्या करें अंकित भाई, चलते हैं हम स्टेशन की तरफ चले। स्टेशन पे वेलकम करेंगे अपनी ट्रेन का, वहाँ पर अपनी ट्रेन का वेलकम करते हैं। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर है, 1 2 3 4, ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म ये वाला है, इस पे आना है। Thank you.
हेलो हेलो, अभी आवाज़ आ रही है ना मेरी? अच्छा, इधर में भी एक ट्रेन साथ में पैरेलल आ रही है, पैरेलल में एंट्री कर रही है। ओहो, कौन सी ट्रेन है जो पैरेलल एंट्री कर रही है? अच्छा, छपरा सूरत ताप्ती गंगा एंट्री कर रही है पैरेलल। चलो भाई, हम ब्रेक लगाते हैं, हमें रुकना है अपने ट्रेन। अगला क्या मैसेज है, अगला क्या काम करना है? To the LP, this is the guard of your train.
अब आप सारे कोचेस को अनकपल कीजिए एंड देन नेक्स्ट पॉइंट के लिए डिपार्ट कीजिए, ओवर। ठीक है स्टेशन मास्टर साहब, डिप्टी एसएस साहब, ठीक है सर, हम कपल कर दिए हमने, हम अगले पॉइंट के लिए रवाना हो रहे हैं।
या इस पॉइंट तक आना है। दोस्तों ये जो सिनारियो है, ये सिनारियो हमारे अंकित भाई ने बनाई है, और इनकी जो सिनारियो है जो कि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इस सिनारियो को, क्योंकि ये प्रीमियम सिनारियो है तो इसका कुछ छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है अंकित भाई ने, और जाहिर सी बात है कि उनने इतनी मेहनत की है तो उनको ये हक भी बनता है। तो मैं यही कहूँगा, ये सिनारियो अगर आप लोग प्ले करना चाहते हो तो ये सिनारियो आपको उनकी वेबसाइट पर मिलेगी। ये सिनारियो मेरे क्लाइंट ऐप पे नहीं है, ये उनकी वेबसाइट पर है, आप वहाँ से इस सिनारियो को ले सकते हैं। लगता है मौसम बिगड़ गया हमारे इधर का, बारिश तेज हो गई है, हवाएं भी चल रही हैं, हो सकता है कि लाइट भी चली जाए, तो जब तक लाइट है तब तक स्टीम कर रहा हूँ, लाइट जैसे जाएगी भाइयों स्टीम बंद हो जाएगी। कहाँ गायब हो गया भाई वो, इतना लोग प्लेटफॉर्म 3 से आ रहा है। अच्छा प्लेटफॉर्म 3 से आ रहा है, ओहो ये आ रहा है।
दिस इज़ द गार्ड ऑफ योर ट्रेन, प्लीज़ कोचेस को डायरेक्टली कपल मत कीजिएगा, पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जस्ट कोचेस के पहले रोकना है, देन आप कपलिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओवर। डायरेक्टली कपल मत कीजिएगा, पहले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जस्ट कोचेस के पहले रोकना है, देन आप कपलिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ओवर। उतर जाते हैं ना यहाँ से लगाएंगे। छियालीस पर कपलिंग। अच्छा
ठीक है। अच्छा 46 पे कर देंगे कंपनी, आना तो भाई साहब को नज़दीक। अभी आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है क्या बोलते अंकित भाई गेम की और माइक की? इतना स्लो है कि अपने आप आगे रुक जाएगा यहाँ पर, देखो बहुत स्लो आ रहा होगा। रोकेंगे, रोक देंगे उसको, कपल नहीं करेंगे। गार्ड वगैरह का आवाज आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। Thank you.
और 4 मिनट हमें यहाँ वेट करना है, पर हम 6:50 पे यहाँ से उड़नछू हो जाएंगे इटारसी जंक्शन से। अच्छा, तो मतलब के जो आपने जो इसमें ये रखा ना, क्या बोलते ऑडियो का जो टाइमिंग रखा है ना अंकित जी, तो उसमें इतना मतलब इतना डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं थी। जैसे क्या बोलते आपका ये कपल कर लिया, कपल करने के बाद अभी वो कपल करने का जो मैसेज है, वैसे तो देखिए जो रेलवे में जो कपलिंग का हिसाब किताब वो है कि वो जैसे जैसे जिस जिस पॉइंट पे पहुंचता जाएगा उस पॉइंट पे जो लोको पायलट है वो डिप्टी एसएस जो स्टेशन मास्टर होता है उसको मैसेज कर देता है वॉकी टॉकी से कि मैं इतना नंबर पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, सिग्नल लोवर कीजिए, आगे जाने के लिए सिग्नल लोवर कीजिए। तो जब वो सिग्नल लोवर मांगता है स्टेशन मास्टर से, तो स्टेशन मास्टर फिर उसको सिग्नल लोवर करता है और स्टेशन मास्टर बोलता है कि ठीक है सिग्नल लोवर कर दिया है, अब फलाने जो है पॉइंट पे पहुंचिए। फिर वो जब फलाने पॉइंट पे पहुंचता है तो वहाँ पर फिर बोला जाता है, फिर वो पायलट बात करता है स्टेशन मास्टर से कि मैं फलाने पॉइंट पर पहुँच गया हूँ, फिर आगे के लिए सिग्नल लोवर कीजिए। तो फिर वो स्टेशन मास्टर फिर सिग्नल लोवर करने का बोलता है कि हाँ मैंने सिग्नल लोवर कर दिया है, अब आप जो प्लेटफार्म की तरफ रवाना करें और उसको क्या बोलते ट्रेन को कपल करें। आइए, बिल्कुल स्वागत है फिर से आपका द्वारा। दोस्तों हम जो हैं अभी इटारसी पे खड़े हैं और ये जो सिनारियो है हमारे अंकित भाई की है, इनकी वेबसाइट पर ये सिनारियो अवेलेबल है और थोड़ा सा एक छोटा सा प्राइस है इनका सिनारियो का, ज़्यादा हैवी प्राइस नहीं है, छोटा सा है, आप उसको लेके
परचेस करके इस सिनेरियो का पूरा मज़ा ले सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि अंकित भाई ने इतना मेहनत किया है तो उनके लिए ये जरूर मतलब हक बनता है, उनका इतनी मेहनत किए हैं सिनेरियो में, लुआ स्क्रिप्टिंग के साथ सिनेरियो बनाई है। तो मैं तो बोलता हूँ कि जो उनने प्राइस रखा 40 रुपये सिनेरियो का, वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से परचेस करके खेल सकते हैं। नंबर लेके तो बात मैं खुद ही करता हूँ ना। कहना सही है तुम्हारा, वो देना जरा। हमारे गार्ड साहब जो है अभी थोड़ी देर में हमारे पायलट साहब बात करेंगे, क्या बोलते डिप्टी एसएस से, अगर उनको सिग्नल लोवर किया जाएगा और फिर वो गार्ड साहब से बात करेंगे कि सिग्नल लोवर हुआ है क्लियर दें। तो गार्ड साहब क्या है, एक विसल मारेंगे और एक ऐसा मतलब एक सिग्नल देंगे विसल मार के कि ठीक है गाड़ी बढ़ाइए क्लियर है, फिर हम चलेंगे। आई थिंक ऐसा कुछ अगर होगा तो शायद हो सकता है अंकित भाई ने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि तो बड़ी स्टेशनों पे ऐसा होता है। मनु स्पीकिंग, यू आर क्लियर टू डिपार्ट बट डिपार्ट ऑन टाइम, ओवर। ओके सर, ठीक है। अभी चलेंगे सेकंड विस
भी मारेंगे हमारे गार्ड साहब। हॉर्न हमने दे दिया है, पहला हॉर्न दे दिया है। हमारे गार्ड साहब द्वारा फिर से एक विसल मारेंगे तो फिर से हम एक बार मेरा रूट भी मेरा पीसी में लैग ही करता है। मोहम्मद मोहिदीन हेलो अक्षु भाई, गार्ड साहब क्लियर दीजिए। गार्ड साहब क्लियरेंस दीजिए। गार्ड साहब क्लियरेंस दीजिए, हम चलने को तैयार हैं, क्लियरेंस दीजिए। चलिए हम चल देते हैं, हमें 6:50 पर निकलना था, हमें क्लियरेंस गार्ड साहब का मिल चुका है। होटल 40 का रखेंगे हम। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो तो कर देना यार भैया, आप लोगों से यही एक छोटी सी गुजारिश है मेरी। अब हमें गुर्रा प्लेटफॉर्म 2 पे रुकना है यार। गुर्रा प्लेटफॉर्म 2 पे समझ नहीं आ रहा है, अंकित भाई ने कुछ कुछ कर रखा है क्या व्यवस्था? गुर्रा प्लेटफॉर्म 2 पर तो स्टॉपेज नहीं है, और अगर इसको गुर्रा प्लेटफॉर्म 2 पर रुकने के लिए रखा है तो पक्का मेरे ख्याल से ओवरटेक का होगा हिसाब किताब। अंकित भाई मैं भी जल्दी इस सिनेरियो को परचेस कर लेंगे, बस टाइम नहीं मिल रहा है खेलने का। बिल्कुल बिल्कुल परचेस कीजिए और खेलिए, बहुत ज़बरदस्त सिनारियो, अच्छा सिनारियो बनाया अंकित भाई ने। अब मुझे तो रूट से ही फुर्सत नहीं है, मैं सिनारियो कहाँ से बनाऊँ यार।
वैसे अंकित भाई मुझे यहाँ कपलिंग का प्रॉब्लम नहीं आया, अगर आपने देखा होगा तो मैंने कपल कर लिया है वन टाइम में ही, कपलिंग का मेरे को इशू आया ही नहीं। क्लियरेंस मिल गई है मेन लाइन स्पीड की, अब आप 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं एंड अदर स्पीड लिमिट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। पर भैया ठीक है, अभी मेन लाइन नहीं मिली है गार्ड साहब, अभी मुझे मेन लाइन नहीं मिली है। जो हम सफर जो है ना, जो वहाँ इटारसी पे खड़ी है वही हमको
ओवरटेक करेगी शायद आगे में, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए 110 का हमको लिमिट मिल गया है। आधारताल तक जाती है और जनसदा जो है वो सिर्फ गोरखपुर तक जाती है।
मजा आ रहा है भाई, मजा ले लेके खेल रहा हूँ मैं। यहाँ पे खड़े होके मतलब के वो व्यू लेते हैं। ले भाई इसका तो ब्रिज ही गायब हो रखा है। हाई डेंसिटी कर रखा है सिनारियो को, सीनरी क्वालिटी हाई कर रखा है, फिर भी साला गायब हो रहा है ब्रिज। भद्दा लग रहा है यार पर, यहाँ कहीं से देखते हैं। यहाँ तो स्टेशन में ही घुस जाएंगे। भाई मालूम है स्टॉप आ गया है, कंट्रोल कर दिया गाड़ी को। कंट्रोल कर दिया हूँ स्पीड को, हम भी कोई ऐसे वैसे ड्राइवर नहीं है, हैवी ड्राइवर है भाई। यहाँ कुछ तो होने वाला होगा, तभी अंकित भाई ने यहाँ रोका है। देखो हमसफर कहाँ गई, हम सफर कहाँ गई, ये रही भाई मैं बोल रहा था ना, ये ठोकेगी हमको पीछे से, हम लोग को ओवरटेक करेगी। अंदाजा सही था मेरा, बिल्कुल सही जजमेंट था मेरा, वो ठोकेगी नहीं पीछे से, पीछे से ओवरटेक करेगी। क्या बात है अंकित जी, हर जगह सेव करते हुए जाओ, रिज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब के कहीं कुछ भी हो सकता है आपके सिनारियो में। यार ये जो आधारताल इंटरसिटी है ना, यही बेस्ट गाड़ी है, इसको कोई ओवरटेक इसकी उसको कोई ओवरटेक नहीं करता मालूम। ये सबसे फास्ट भागती है, ये भी सबसे फास्ट चलती है, और क्या बोलते हैं आपका जन शताब्दी भी, ये दोनों गाड़ियाँ पंचुअलिटी की मानी हुई गाड़ियाँ, ये टाइम से पंचुअल चलती हैं दोनों ट्रेन, क्योंकि इसमें सब ऑफिस वाले भागते हैं, कारोबार करने वाले आदमी आना जाना करते हैं, तो वो टाइम की पंचुअलिटी को लेकर ज़्यादातर लोग इसी ट्रेन को प्रेफर करते हैं जबलपुर से भोपाल अप डाउन करने के लिए। हम आ गए क्या लूप लाइन में, आ गए पूरे, अभी भी चल रहे हैं लूप लाइन में, नहीं आए अभी भी। ये हमारा लास्ट कोच होगा शायद, ये हमारा लास्ट कोच आ गया अंदर में। इधर भी हरा सिग्नल हो रखा भाई, इसका मतलब कि इस तरफ से भी कोई क्रॉसिंग है। क्या आ रहा है कुछ सामने से दिखाई दे रहा है, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है सामने से। और हम रुक जाते हैं, बिल्कुल आगे आगे हम चल के रुकते हैं। प्लेटफॉर्म आ गया इस तरफ में, हाँ हम प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं।
नहीं बिल्कुल, आपने जब सिनेरियो बनाई है अंकित भाई, तो आपको मालूम होगा ना कहाँ कहाँ ये फेल हो सकती है। अरे भैया लो, हम तो पहले ही सेव कर देंगे, हम पहले ही सेव कर देंगे, ये लो। अब हम यहाँ से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। लास्ट कोच भी मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म से बाहर है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है ना, ये कोई एक्सप्रेस पैसेंजर का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मतलब लोकल ट्रेन का डिपार्ट 7:06 पे होना है यहाँ से। मालूम था ओवरटेक है, तो वेट करते हैं। और ओवरटेक कहाँ से ले, यहाँ से लेते हैं ओवरटेक को, यहाँ से देखते हैं ओवरटेक को, है ना, यहां से थोड़ा सा पीछे से। यहां से सही रहेगा ना, यहां से सही रहेगा, सबसे बेस्ट इधर से सही रहेगा। तो एलपी, दिस इज द गार्ड ऑफ द ट्रेन। अब यहां पर क्यों स्टॉप दे दिया यार, पता नहीं कौन सी ट्रेन हमें ओटी मार के जाएगी। ओवर। टू द गार्ड, दिस इज योर एएलपी। मुझे लगता है पिछले स्टेशन में जो हम सफर हमारे बाजू में आके खड़ी हुई थी, वही हमें ओवरटेक करेगी। अरे उसमें तो अपने बिजन चौहान उसके एएलपी थे। नहीं अच्छा है, उनको जाने दो, आगे हम पीछे पीछे ही ठीक है। अच्छा, ब्रिजन भाई को हरी झंडी दे रखी है बिल्कुल, तो ब्रिजन भाई भगा रहे हैं इस ट्रेन को। चलिए ठीक है, रही है। क्या ये ऐसा ही कुछ होना था क्या अंकित भाई यहाँ पर? हाँ अंकित जी, ऐसा ही कुछ होना था क्या यहाँ पर? जाते जाते बिल्कुल स्टक हो गई यहाँ पर आके, इसलिए आप बोल रहे थे कि सेव करके चल रहा है। इसकी प्रायोरिटी को क्या दिया था आपने हम सफर की? ये अंकित जी, हम सफर में प्रायोरिटी क्या दी थी आपने इसकी, ट्रेन की प्रायोरिटी? क्योंकि ये मेरे ख्याल से प्रायोरिटी के कारण भी हो सकता है, इसको आपको हम सफर को आपने स्पेशल रखा था या नॉर्मल रखा था? अगर मैं इसका 9 में ऊपर चेक करूं तो देखें, देखा जाए तो लाइन तो नहीं बनी है मेरे लिए, लाइन तो इसी के लिए बनी है, हम सफर के लिए।
ये कोई नई बात नहीं है ऐसा होना, मेरे सिनारियों में भी कभी ऐसे कभी कभी ऐसे पंगे खड़े होते हैं। तो दोस्तों हमने जहाँ पर सेव की थी हम वहीं से ही रिज्यूम कर देते हैं, मेरे ख्याल से तब ये जो लफड़ा है ये हो सकता हट जाए। हाँ बस वही है, ये बग नहीं है, भग है, इसको बग नहीं भग बोलते हैं, बग का बाप होता है भग। इसको भग भी बोलेंगे तो भगेगा नहीं है। अभी हो क्या रहा है मैं बताऊं, देखा जाए तो आपने क्या है, मैं एक चीज समझ रहा हूँ यहाँ पर है, एक कारण से हो सकता है कि यहाँ पर जो आपने प्लेयर ट्रेन का जो टाइमिंग है उसके टाइमिंग आपने क्या यहाँ पर स्टॉपिंग पॉइंट दिया ना, सर्विस पॉइंट दिया होगा, तो सर्विस पॉइंट देने के बाद आपको क्या है उसका टाइमिंग जो है थोड़ा ज़्यादा देना था। मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर पता नहीं कितना टाइमिंग दिया होगा, मैं देखूँ अगर समय F1 में, तो 7:01 से 7:06 इसमें आपने लिखा है, टाइमिंग तो आपने सही दिया है 7:01 से 7:06। मेरे ख्याल से इसकी प्रायोरिटी का ही, इसकी जो प्रायोरिटी है उसका ही पंगा हो सकता है। इसको एक बार हम उसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये चलेगी नहीं सिनारियो भाई, मैं इतना जानता हूँ अब ये सिनारियो नहीं चलने वाली है, तो एग्जिट होना ही पड़ेगा। और इनकी जो सिनारियो है, सिनारियो को मैं जरा मेन मेनू में जाके एडिट में देखता हूँ कि इसका टाइमिंग का क्या डिफरेंस हो रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाली है इनकी एडिट में जाके, मन्नू रिजर्वेशन कर लूं दिल्ली का वापस जाने का। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि क्या करें, आप लोग बोलिए सिनेरियो आगे प्ले करें या यहीं स्ट्रीम को बंद करें।
वो हम सफ़र है, क्या नाम है उस ट्रेन का? सबसे पहले तो हमारी प्लेयर ट्रेन है, उसकी प्रायोरिटी क्या दी है हमारे अंकित भाई ने? ठीक है, एक्सप्रेस पैसेंजर किया है, ठीक है। और अब इसको देखते हैं, जो ये हम सफ़र है इसका क्या है? यहाँ पर आपको देखो, आपने इसको यहाँ एक्सप्रेस पैसेंजर जो किया है ना, क्या बोलते अंकित जी, यहाँ आप इसको स्पेशल कर देने से तो वो प्रॉब्लम नहीं आता, 90% प्रॉब्लम सेम प्रायोरिटी पे आ जाता है। यहाँ इसको एक्सप्रेस, आप इसको स्पेशल करके देखिएगा, आप चला के देखिएगा, आपको नहीं आएगा प्रॉब्लम। भाई मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, तो दोस्तों आज इस टीम को यहीं रोकते हैं, ठीक है, और बाकी की टीम बाद में देखते हैं, आगे की जर्नी को अपन आगे करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग का इस टीम पे आने में बहुत बहुत धन्यवाद, इस टीम में आने का। अब वैसे भी आज की स्टीम थोड़ी सी गड़बड़ हो गया काम स्टीम का, इसलिए मज़ा भी नहीं आ रहा है, मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम अपना यहीं करते हैं, है ना, चलिए ओके दोस्तों, गुड बाय।